Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. No student start karte hain class 12th maths. 12th maths. Relations and functions. तो इसमें students relations की हम दो वीडियो बना चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन. तो ये स्टूडेंट फंक्शन में क्या है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. अगर स्टूडेंट्स एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो कोई अब एक कोई फंक्शन ए अ फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इनटू वाई. इसको स्टूडेंट्स ये पढ़ा जाता है कि एफ फ्रॉम एक्स इनटू वाई इज अ रूल बाई विच ईच एलिमेंट x belongs to x is associated to a unique element y belongs to y. Then f is said to be a function. तब हम f को जो है x से y में एक function कहते हैं. The element of x are called the domain. अब student जो x के element होते हैं वो domain कहलाते हैं और जो y के element होते हैं वो codomain कहलाते हैं. The image of the element of x is called the range of x. अब स्टूडेंट्स जो एक्स के एलिमेंट का जो इमेज होता है एक्स के जो एलिमेंट का स्टूडेंट्स इमेज होता है कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ. द इमेज ऑफ द एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एक्स विच इज अ सबसेट ऑफ वाई. उसको हम सबसेट ऑफ वाई कहते हैं. तो वो स्टूडेंट्स रेंज कहलाती है. एक्स के एलिमेंट की जो इमेज है उसको हम कहते हैं रेंज. अब स्टूडेंट्स इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं. देखिए ये एग्जांपल है ये एफ सच दैट एक्स टू वाई. अब ये स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हमने बना दिया. ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया. अब स्टूडेंट्स इसमें वन टू थ्री फोर फाइव ये लिखे हुए हैं और इसमें भी ये है वन टू थ्री फोर फाइव. सपोज करिए ये दिए गए. अब स्टूडेंट्स इसमें ये जो है ये डोमेन हमारा है और ये कोडोमेन है. तो डोमेन के जो एलिमेंट हैं ये देखिए स्टूडेंट्स एफ सच दैट एक्स टू वाई. तो एक्स में ये एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव और वाई में है वन टू थ्री फोर फाइव. तो ये एक्स के जो एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स ये हमारे डोमेन हैं और ये कोडोमेन हो गए वन टू थ्री फोर फाइव. इस तरीके से ये जो यहाँ लिखे हैं अभी इसका कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरीके से रिलेटेड हैं, लेकिन जो इसमें लिखे हैं वो डोमेन है और जो यहाँ पर है वो कोडोमेन है. अब स्टूडेंट्स अगर इसको इससे रिलेटेड कर दी, ये इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया और मान लीजिए ये जो है इन दोनों से रिलेटेड है ये. तो अब इसमें स्टूडेंट्स जो रेंज होगा वो क्या होगा? तो जो रेंज होगा, क्योंकि एक्स के जो इमेज हैं वो एक्चुअल में रेंज कहलाते हैं, तो रेंज क्या है? वन टू थ्री और फोर. चूँकि फाइव जो है वो किसी का इमेज इसमें नहीं है, तो इस y के जो एलिमेंट हैं वो रेंज कहलाते हैं. जो x का इमेज होंगे वही एलिमेंट इसकी रेंज कहलाएंगे. तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट है टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो टाइप ऑफ फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहले आता है वन वन और इंजेक्टिव या एंड मैनी वन फंक्शन. अब स्टूडेंट हम बात करते हैं वन वन और इसी को हम कहते हैं इंजेक्टिव. ये मैपिंग इसको कहते हैं या फंक्शन कहते हैं. अब स्टूडेंट एक फंक्शन f x से y में को हम वन वन कहेंगे, यानी f सच दैट x टू y इज सेट टू बी अ वन वन फंक्शन इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट. अब ये स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखिएगा कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट. यानी स्टूडेंट्स अगर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें एफ एक्स के डिफरेंट मान फाइंड होते हैं तो फंक्शन जो है वन वन कहलाता है. फिर से सुन लीजिए कि अगर
एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड होती हैं तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वन वन। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखने की चीज़ है कि उसको हम बोलते हैं वन वन। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज़ को आपको समझाते हैं। वन वन, तो अब स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये हमने ले लिया कि एफ सच दैट। अब हम अगर इसको एन टू एन हमने ये ले लिया। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें हम ये एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया। ये स्टूडेंट्स देखिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ये जो पहले लिखा हुआ है इसको हम डोमेन बोलेंगे एन को, इस एन को कोडोमेन। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर हम एक्स की वैल्यू वन टू थ्री इस तरीके से लेते हैं तो स्टूडेंट्स एफ वन की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। फिर हम एफ टू की वैल्यू निकालेंगे तो फोर आएगी। फिर हम एफ थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो नाइन आएगी। इसमें वैल्यू पुट करके ये स्टूडेंट्स वैल्यू हमने फाइंड की है, तो इतनी वैल्यू हमें फाइंड हुई है। अब हम देख रहे हैं कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू भी डिफरेंट है। वन के लिए वन है, टू के लिए फोर है, थ्री के लिए नाइन है। तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये देखिए स्टूडेंट्स दिया भी है कि द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। तो अगर इसको हम इस तरीके से देखिए ये हमारा एक्स हो गया, ये स्टूडेंट्स हमारा इस तरीके से ये देखिए स्टूडेंट ये एक्स है और ये हमारा एफ एक्स है। अब इसमें मान लीजिए हमने वन टू थ्री ये दिया और इसमें हमारा आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो अब स्टूडेंट्स वन का जो इमेज है, वन का इमेज वन है और ये टू का इमेज जो है फोर है और थ्री का इमेज है नाइन। तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। तो ये स्टूडेंट डिफरेंट एलिमेंट के इमेज जो है वो डिफरेंट हैं। तो इससे एफ क्या हो गया, एफ इज ये आ गया वन वन। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, सपोज करिए एक एग्जांपल और, जैसे एफ सच दैट ये जेड टू जेड है, मान ली इंटीजर्स हैं, ये हो गए, ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। अब इसमें हम एफ एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो अब इंटीजर में हम एक्स की वैल्यू हमने माइनस वन ले ली और प्लस वन ले ली। तो जब हम इसमें f माइनस वन फाइंड करेंगे तो वन आएगा स्टूडेंट्स, और f वन फाइंड करेंगे तब भी वन आएगा। तो अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि दो डिफरेंट x के डिफरेंट वैल्यूज़ माइनस वन और वन, उसके लिए जो एफ एक्स की वैल्यू है वो दोनों केसेस में वन आई है। तो अब स्टूडेंट इसमें क्या है, ये माइनस वन और ये वन हो गया, यहाँ माइनस वन और वन लिख दिया हमने। और भी बहुत सारे एलिमेंट हम लिख सकते हैं लेकिन मतलब तो इसका इमेज ये है और इस ये स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमने बना दिया, ये माइनस वन और वन, ये माइनस वन और इसका इमेज ये है और इसका इमेज भी ये है। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों एलिमेंट के इमेज सेम हैं तो इसलिए ये फंक्शन वन वन ना हो करके मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही है, सेम इमेज है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट ये फंक्शन क्या है, वन वन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको करना है। तो अभी हमने आपको केवल ये समझाया है, अभी और इससे रिलेटेड एग्जांपल हम आपको बताएंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं
ये ऑन टू, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट एक्स अंडर एफ। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि किसी भी फंक्शन हम एफ सच दैट एक्स टू वाई को ऑन टू फंक्शन कहते हैं यदि y का प्रत्येक एलिमेंट x के कुछ एलिमेंट का इमेज हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है। या हम इसको कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। या स्टूडेंट्स अगर रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ दोनों इक्वल हो जाएं तब भी वो फंक्शन ऑन टू होता है, तब भी हम उस फंक्शन को ऑन टू कहते हैं स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल के द्वारा देखिए इसको हम आपको क्लियर करते हैं। ये एग्जाम्पल ये दिया है एफ सच दैट आर टू आर defined on fx is equal to 2x for every x belongs to R। अब students इसमें ये R यानी domain भी R है और codomain भी R है, real numbers दिए गए हैं और fx is equal to 2x for every x belongs to R। अब students इसको हमें दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू हम मान लेते वाई, तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स आ गया स्टूडेंट, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई वाई अपॉन टू। अब स्टूडेंट्स जो वाई अपॉन टू है ये भी एक आर को बिलोंग करेगा क्योंकि वाई अपॉन टू भी एक रेशनल नंबर है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि द प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू r इज x बिलोंग्स टू r। तो ये स्टूडेंट्स जो नंबर है अगर ये नंबर भी एक रियल नंबर आ जाता है x की वैल्यू में तब हम इसको बोल देते हैं कि हेंस f इज ऑन टू। तो ये ऑन टू होगा। अब इसको देखिए हम आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट्स हमने एक्स की वैल्यू ले ली वन, वन वाई टू टू, ये हमने एक्स की वैल्यू तीन वैल्यू ली हैं स्टूडेंट्स। अब हम इससे एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स दिया है तो हम एफ वन की वैल्यू फाइंड करेंगे टू आएगी, फिर हम एफ वन वाई टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वन आएगी स्टूडेंट्स, फिर एफ टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये फोर आएगी। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम इसमें इस तरीके से ये और इस तरीके से ये बनाते हैं, ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, यहाँ पे हमने वन वन वाई टू टू कुछ भी ले सकते हैं और बहुत सारे नंबर हम इसमें स्टूडेंट्स ले सकते हैं और भी कई नंबर। ये देखिए वन हो गया, ये वन वाई टू हो गया और ये टू हो गया। अब इसमें जो है ये देखिए ये वन आ गया और ये वन वाई टू हो गया थ्री हो गया और ये फोर हो गया। यहाँ पर भी हम और भी नंबर ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो वन है उसकी इमेज कितनी है, इस वन की इमेज है वो टू है और वन वाई टू की इमेज कितनी है वन है। अब अगर हम टू लेते हैं स्टूडेंट तो यहाँ इमेज फोर आएगी। अब इसमें थ्री अगर स्टूडेंट्स हम कोई और नंबर लेते हैं तो उसका भी इमेज जो है ये थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स
जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इमेज एक्स में बनेगी, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे उन सब की इमेज यहाँ बनेगी। अगर स्टूडेंट्स हम एक्स की वैल्यू मान लीजिए 1/4 लेते, तो अगर इसकी 1/4 लेंगे तो 2 × 1/4 करेंगे तो ये 1/2 आएगी, तो ये स्टूडेंट इसका इमेज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 3/2 लेंगे, अगर यहाँ पर हमने 3/2 लिया है तो उसकी इमेज ये हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हर एलिमेंट का इमेज जो है इसके एफ एक्स के हर एलिमेंट का इमेज ये एक्स हो जाएगा आपका, और ये एफ एक्स हो जाएगा। तो इसमें जो भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, देखिए स्टूडेंट इसी को हम वाई बोल सकते हैं, तो क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट एक्स अंडर एफ। सो स्टूडेंट्स क्या होगा, एफ इज ऑन टू, चूंकि रियल नंबर में स्टूडेंट इनफाइनाइट नंबर आते हैं तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर लिखना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस तरीके से इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करके देख लिया जाता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर ये भी रियल नंबर आ जाए, यहाँ पर ये भी एक रियल नंबर आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट जैसे ये वाई है, तो वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 भी एक रियल नंबर है। अगर यहाँ हम 3/2 रख दें वाई की जगह पर तो ये 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 भी एक रियल नंबर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, और डिफरेंट एलिमेंट के इमेज भी स्टूडेंट डिफरेंट होंगे, तो इसलिए ये फंक्शन 1/1 भी है और ऑन टू है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया था कि हमें शो करना था कि ये ऑन टू है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं।